बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सूची लंबी है और जीरो आवर भी होना है, तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आपको जो सुझाव है इस बजट पे या अपने क्षेत्र से संबंधित है उसको कृपया 3 मिनट में अपनी बात कहने के कष्ट करें। श्री विशाल पाटिल जी। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए शुक्रिया। मेरे सांगली जिला जो शहर है उसमें सांगली मिरज, मिरज में एक जंक्शन आता है और साउथ और सेंट्रल का ये एक गेटवे है। यहाँ पे बहुत मेडिकल इंस्टीट्यूट अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन छोटे खासगी निजी स्वरूप से बनी हुई हैं। मेरी मतदार्स मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर से मेरी ये दरख्वास्त है कि शासन वहाँ पे एम्स जैसी एक अच्छी इंस्टीट्यूट लाए, जैसे क्योंकि वहाँ चल पाएगी, क्योंकि हमारे जिले में लगभग 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर पास आउट होते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, बेसिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ, टेक्निकल स्टाफ भी अच्छा मिलता है। तो अगर एम्स वहाँ हो सके तो कर्नाटक महाराष्ट्र के बाउंड्री पे मेरा निर्वाचन क्षेत्र आता है, दोनों जगह को अच्छी फायदा हो सकता है। सर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जत, आटपाड़ी, कौटुमकार, खानापुर थोड़ा दुर्लभ भाग है, जहाँ पे छोटे छोटे गाँवों से लोगों को PHC जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए PHCOं की संख्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाई जाए, ये मांग मैं मंत्री जी से करता हूँ। हमारे जिला में एक जिला रुग्णालय बनाया जाए, आयुष का एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए, इसकी भी मांग मैं करता हूँ। सर, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में सरकार ने अच्छे कदम लिए ऐसा बताया गया, 157 मैंने आंकड़ा सुना शायद नए नए कॉलेजेस बनाए गए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इमारत बनाने से, बिल्डिंग बनाने से हॉस्पिटल होते नहीं है। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि इनको अच्छा स्टाफ और फैकल्टी मिल नहीं रहा, एक नया कॉलेज खुलता है तो कोई और बंद हो रहा है, तो इनको कोई सैलरी की कमी है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कमी है, शायद ये लोग सिखाना नहीं चाहते प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर, इसके लिए कुछ तो सरकार एक अच्छा प्रावधान करें। अच्छी अच्छी योजनाएं का घोषणा सरकार के माध्यम से हो रही है, फिर PMJ हो, आयुष्मान भारत हो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है क्या, ये भी नीचे जाके देखने की जरूरत है। जो एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल्स का होता है उस एम्पैनलमेंट में सर ये आयुष्मान भारत ये परेशान भारत की अवस्था में आ गया है। पैसे मांगे जाते हैं सर एम्पैनलमेंट करने के लिए, ऐसी बहुत जगह से शिकायतें आई हैं, उस पर भी गौर मंत्री जी ने गौर करना बहुत ही जरूरी है। और लोगों को भी ESI के माध्यम से हॉस्पिटल बहुत ही बुरी सेवा मिलती है, उस पर भी सुधार करना जरूरी मैं मानता हूँ। सर, कोरोना के टाइम में शासन ने अच्छा काम किया, हम सब सुनते हैं अच्छा काम किया, बहुत लोगों को वैक्सीन दी, लेकिन इस काम अच्छा करने में जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, वो आशा वर्कर जिन्होंने सही सब जगह जाके लोगों से मिलके लोगों को बहुत उस कठिन समय मदद की थी, इनका जो आय है, जो इनको मासिक पैसा मिलता है, ये बहुत ही कम है, और इन इतने कम पैसों में घर नहीं चला पाते, खुद की जिंदगी धोखे में डाल के काम कर रहे हैं। आशा वर्कर्स को बहुत ही कम पैसा मिलता है, केंद्र शासन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उनके लिए कुछ तो करिए। इनकी थाली खाली है, मैं यही विनती करूंगा कि इनके लिए आप कुछ ना कुछ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुकेश राज।